हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे के पूरे 10 बैग शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने लिया है मीशो से। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल विल बी अंडर 600। यस, सो अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए या फिर फेस्टिव सीजन आ रहा है उसके लिए चाहिए देन इस वीडियो में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, जितने भी सारे कोर्स होने वाले हैं ना, सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ फेस्टिव सीजन के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ चुकी है एंड आई एम श्योर सब लोग को चाहिए रहेगा। सो उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कैजुअल दिखाऊंगी एंड उसके बाद दिखाऊंगी मैं ऑफिस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास है ये ब्यूटीफुल सा क्लच, ठीक है। ये मेटल क्लच है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इसकी प्राइस है 593 रुपीज़। एंड ये फ्रंट में ना इसका कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। एंड पीछे के तरफ भी इस तरह का हुआ है, ठीक है। ये मिरर नहीं है, बस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक ही कंपार्टमेंट आपको मिलेगी। सो इसके अंदर ना आप देख सकते हो थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, ज़्यादा कुछ सामान नहीं रख सकते हो, लाइक पर्स, लिपस्टिक, मतलब वॉलेट, छोटा वॉलेट और लिपस्टिक वगैरह रख सकते हो, ठीक है। इसी के अंदर आपको इस तरह का एक स्लिंग भी मिल जाएगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा सा मटेरियल यूज हुआ है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ऑल्सो अफोर्डेबल है, ठीक है। सेम टू सेम आपको मिल जाएगी अमेजोन फॉर 800 और 900 रुपीज़, बट ये मीशो में सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रही है 593 रुपीज़ को। बहुत ज़्यादा प्रिटी है गाइस, क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चेन आपको मिल जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, इसकी क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं है। ये वाली पर्स ना बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, कुछ भी इंडो वेस्टर्न पहन रहे हो तब भी इसको कैरी कर सकते हो, इंडियन वेयर में भी कैरी कर सकते हो। देखो गाइस, एक पोटली बैग होना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप साड़ी पहन रहे हो या फिर लहंगा पहन रहे हो तो ये जो पोटली बैग्स है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैंने लिया है मीशो से ये वाली, इसकी प्राइस है ओनली 140 रुपीज़। कैन यू बिलीव इट, लाइक दिस इज ओनली फॉर 140 रुपीज़। बहुत सुंदर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मुझे तो ब्लैक चाहिए था तो मैंने ब्लैक लिया है। तो फ्रंट में इसका कुछ इस तरह का काम हुआ है, यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे मिरर दिया गया है, लाइक इस तरह का है। एंड इसके अंदर ना आपको, मतलब जैसा पोटली बैग होता है वैसा ही है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी की है एंड स्पेसियस है। इसमें ना आपका फ़ोन चला जाएगा आराम से, क्योंकि ये इतना तक है, आप देख सकते हो इतना तक जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली डाल सकते हो। एंड 140 रुपीज़ में क्या ही मिलता है, तो इस तरह का मतलब इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस आपको मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए। यहाँ पर इस तरह का बीड्स वाला एक मिल जाएगा ऐसे पकड़ने के लिए हैंडल, एंड बहुत ज्यादा प्रिटी है। यहां से आप इसे यू नो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा है ये वाला, अकॉर्डिंग टू द प्राइस तो बेस्ट ही है। अगर आप साड़ी पहनने की सोच रहे हो या फिर मैरिज सीजन भी आने वाली है, यू नो बहुत सारे मैरिजेस भी अटेंड करना रहेगा, तो ऐसा एक पोटली बैग आपके पास होना ही चाहिए। सो अगर आपको ये पसंद आता है तो ले लो, क्योंकि इतना सस्ता कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो मैं बैग दिखाने वाली हूँ ना वो बहुत ज्यादा प्रिटी है। सो आई हैव दिस ब्यूटिफुल वेलवेट क्लच, बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड इसकी प्राइस ना ओनली 223 रुपीज़ है। कैन यू बिलीव इट, मतलब मीशो कभी कभी इतना सस्ता सामान दे देता है ना, क्या ही मैं बोलूँ। तो आप देख सकते हो ये ब्यूटिफुल सा मरून कलर में है एंड उसके ऊपर ऐसे गोल्डन कलर का सिक्वेंस और थ्रेड का वो हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। दोनों साइड आपको ऐसा मिल जाएगा एंड फ्रंट में ना ऐसा एक स्टोन दिया गया है, ठीक है। तो आप ना इसको ओपन करती हूँ पहले, यार मुझे ही ओपन करना नहीं आ रहा, हाँ खुल गया। तो या ये इस तरह का खुलेगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे ना कपड़े का काम हुआ है, मतलब कपड़ा है इसके अंदर। एंड उसी के साथ ही आपको ये स्लिंग मिल जाएगी,
आप स्लिंग के साथ भी पकड़ सकते हो या फिर इसको डिटैच भी कर सकते हो, वो एक प्लस पॉइंट है। जो भी मतलब जहां से भी आप निकाल सकते हो ना वो अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पकड़ना है, आप चूड़ीदार पहन रहे हो या फिर साड़ी पहन रहे हो, लहंगा पहन रहे हो, तो यू नो इसको निकालो और वैसे ही पकड़ो, बहुत प्रिटी लगता है। हमेशा ऐसे डालना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मैं हमेशा कैरी करती हूँ ऐसे ही क्लच एज अ क्लच। सो ये बहुत प्रिटी सा है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सामान आपका नहीं आएगा, बट मैरिज वैरिज फंक्शन में जा रहे हो तो ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं रहता है, थोड़ा सा पैसा और फ़ोन हो गया तो चल जाएगा, ठीक है, और टचअप के लिए थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह कुछ तो हो जाएगा काम। तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, अफोर्डेबल भी है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना मैंने फेस्टिव सीजन के लिए लिया था वो दिखा दिया, अब मैं दिखाऊंगी जो आप रेगुलर बेसिस में पकड़ सकते हो। सो सबसे पहले दिस वन, दिस इज ओनली फॉर 188 रुपीज़, ठीक है, आई नो बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। सो दिस इज द बैग, बहुत ज़्यादा प्रिटी बैग है, मतलब मुझे इसका ना ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक आई लव पर्ल, ओके, इस तरह का जो पर्ल होता है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब ज्वेलरीज में भी और इस तरह का मतलब बैग वैग में अगर काम होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इसकी प्राइस है ओनली 188 रुपीज़ एंड मतलब क्या ही मैं बोलूँ, अब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पर्ल देख रहे हो ना आप इसको डिटैच कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ऐसे निकाल सकते हो एंड लगा भी सकते हो, ठीक है, जो कि प्लस पॉइंट है। एंड मैं ना इसको कभी कभी वीडियो में, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आपको पता होगा शायद, मैं ना इसको निकाल के एज अ चोकर बना के यहाँ पर पिन लगा के या फिर थ्रेड डाल के लगा लेती हूँ, क्योंकि ड्रेसेस के साथ ना इस तरह का जो पर्ल एक्सेसरीज होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो उस वजह से। सो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये प्यू लेदर और समथिंग का है, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस उतना ज़्यादा चीप नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पहले देख सकते हो यहाँ पर दो कंपार्टमेंट है, एक बड़ा कंपार्टमेंट है एंड एक छोटा सा कंपार्टमेंट है। वैसे इसके अंदर भी ना बहुत अच्छा वाला मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी चीप नहीं लगेगा, बिकॉज ये जो पर्ल है ना ये पर्ल ही इसको चीप नहीं बनाता, अगर पर्ल नहीं होता ना तो उतना ज़्यादा इसका मतलब उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता देखने में। सो ये कुछ इस तरह से है एंड इसी के साथ ही आपको इस तरह का एक स्लिंग मिल जाएगा, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो एज अ स्लिंग बैग करके या फिर क्रॉस बॉडी बैग करके वैसे डाल सकते हो। आप लोग भी चेकआउट करना ज़रूर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड अफोर्डेबल भी है, वाइट कलर में है और भी शायद ब्लैक कलर अवेलेबल है, तो बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट जो बैग दिखाने वाली हूँ ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मीशो का कुछ भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल लाइक बैग, थोड़ा सा डिफरेंट है एंड यहाँ पर इस तरह से स्लिंग मिल जाएगा, जैसे इसको आप लाइट में लोगे ना ये थोड़ा सा शाइन करता है, ठीक है। इसके प्राइस है 376 रुपीज़, ये ना मैंने अपने बर्थडे के टाइम में लिया था अप्रैल के मंथ में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से है एंड यहाँ पर आपको इसका जब पकड़ने के लिए शोल्डर में रखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो है जैसे डिज़ाइन था वैसे नहीं मिला, यहाँ इसका डिज़ाइन वैसा नहीं था, ऐसे एक स्क्वायर का था लेकिन इन्होंने इस तरह का भेज दिया, ठीक है, तो ये है। एंड दूसरी जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली बात है वो ही ये स्लिंग, ये ना ऐसे है, ठीक है, देखो ये मतलब अच्छे से शोल्डर पर ऐसा रहता भी नहीं है, अपने आप ही ऐसे गिर रहा है, ठीक है। इसकी क्वालिटी मतलब पूरा बकवास है, मैं तो ये बैग बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगी किसी को भी, वो तो मैंने रख लिया क्योंकि यू नो टाइम पीरियड चला गया था तो मैं रिटर्न नहीं कर पाई, बहुत सारा सामान मेरे पास ऐसे है जो मुझे टाइम नहीं मिलता रिटर्न करने का, तो टाइम पीरियड चला जाता है तो वैसे ही रख लेती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह का है, बट यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसको एडजस्ट करने के लिए 2-3 ऐसे होल दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। वैसे तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, ठीक है, जो देखेगा ना उसको लगेगा कि हाँ ठीक है मुझे लेना ही चाहिए क्योंकि इतना सस्ता मिल रहा है, बट नो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको एक ही कंपार्टमेंट मिल जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें स्पेस, और क्या ही बोलूँ इसके बारे में, बकवास, मेरी पैसा बर्बाद, सब कुछ हो गया, तो नो फ्रॉम माई साइड। ओके, सो नेक्स्ट जो मैं बैग दिखाने वाली हूँ ना वो मतलब माइंड ब्लोइंग है, ठीक है, मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड द बैग इज दिस वन।
सो दिस इज अ पर्ल बैग, बहुत ज्यादा खूबसूरत है गाइस। आप देख सकते हो पूरा ऐसे पर्ल में ही हुआ है, बना हुआ है। इसकी प्राइस है 488 रुपीज, यस 498 रुपीज सॉरी। एंड आप देख सकते हो बहुत ज्यादा प्यारा है, ठीक है। तो आपको इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पर एक सिर्फ है बटन, ऐसे हुक या जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, उसके अंदर ये है। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल बैग ढूंढ रहे हो ना, जिसमें आप सामान रख सकते हो, देन दिस इज नॉट फॉर यू। ये सिर्फ स्टाइल मारने के लिए है, ठीक है। सिर्फ अगर अच्छा वाला ड्रेस पहन रहे हो या फिर बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो पकड़ लो ये, और फिर मैरिज फंक्शंस वगैरह में भी अच्छा चल जाएगा। तो वैसा है, बट मेरी फेवरेट है। मैं इसमें कुछ डालती नहीं हूँ, वैसे ही पकड़ती हूँ बस, क्रंची और थोड़ा बहुत जो भी इसके अंदर रखोगे ना वो दिख ही जाएगा, ठीक है। फोन भी नहीं जा रहा इसके अंदर, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, फोन भी नहीं जा रहा, ठीक है। प्रिटी है इस तरह का बैग। आप अगर और कोई वेबसाइट से लोगे या फिर ऐप से लोगे बहुत महंगा पड़ेगा, बट मीशो पर इस तरह का बैग्स बहुत सस्ता मिल रहा है, एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ब्लैक एक ऐसा कलर है जो सबको पसंद आता है, ठीक है, और मुझे तो ब्लैक के साथ प्यार है। मैं कितने भी ब्लैक कलर की बैग्स लूँ मुझे अच्छा लगता है लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट है दिस वन। इसकी प्राइस है आई थिंक 314 रुपीज। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का बैग है, एंड यहाँ पर फ्रंट में इसे एक गोल्डन कलर का चेन मिल जाएगा, जिसको आप निकाल नहीं सकते, मतलब एक साइड से तो निकाल सकते हो, दूसरी साइड से नहीं निकाल पाओगे आप। सो ये कुछ इस तरह का है, एंड क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब दिखने में। वैसे इसका भी शायद मटेरियल प्योर लेदर और समथिंग है, मैं किसी का भी मटेरियल नहीं बता पा रही हूँ क्या ही जाएगा मटेरियल में, ये तो ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा लेकिन शाइनिंग मटेरियल है, जैसे भी आप लाइट में लाओगे ना थोड़ा सा शाइन करता है। एंड इसको शायद मैं 1.5 या 2 साल से पकड़ रही हूँ, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की है। सो इसमें आपको मिल जाएगी एक कंपार्टमेंट, यहाँ पर बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलेगा, उसके बाद और एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलेगा, एंड यहाँ पर और भी एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। इसकी अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत सारा सामान आता है इसमें, बहुत सारा सामान आप रख सकते हो टू बी ऑनेस्ट। एंड पीछे के साइड भी एक आपको पाउच मिल जाएगा, मतलब स्पेस रखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत। अगर आप कुछ अफोर्डेबल प्राइस में ब्लैक बैग ढूंढ रहे हो, देन जस्ट गो फॉर इट। एंड चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्पेस भी बहुत अच्छा है, एंड मतलब रेगुलर बेसिस के लिए तो बेस्ट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई हैव दिस ब्यूटिफुल लैवेंडर कलर और पर्पल कलर बैग। इसकी प्राइस है 456 रुपीज़ आई गेस, हाँ 456 रुपीज़। ये कुछ इस तरह से दिखता है, लाइक इसको ना मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से लिया है, बहुत ज़्यादा प्रिटी सा कलर है, आप देख सकते हो इसका कलर। एंड ये कुछ पीछे के साइड ऐसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसकी जो मटेरियल हुआ है ना, इसमें शायद कुशन दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ना ऐसे अगर आप दबाओगे तो आपको अंदर ऐसे ले जाएगा, कुशन मटेरियल का है। यहाँ पर इस तरह का एक चेन मिल जाएगा, इसको आप एज अ स्लिंग बैग भी करके डाल सकते हो, और एज अ शोल्डर बैग करके भी डाल सकते हो। इनकी क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। एंड फ्रंट में कुछ इस तरह का आपको थोड़ा सा डिज़ाइन मिल जाएगा, इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का मिलेगा। एंड यहाँ से आपको ऐसे ओपन करना रहेगा, यहाँ पर आपको 3 कंपार्टमेंट्स मिल जाएगी, ज़्यादा कोई सामान नहीं रख सकते हो। क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग टू द मतलब मनी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस और भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। आई थिंक अगर आपको ये 200-300 के अंदर मिल रहा है ना, एंड अगर आप लेना चाह रहे हो तो अगर उतना प्राइस में मिल रहा है तो लो, अदरवाइज डोंट गो फॉर दिस वन। उतना भी कुछ मतलब अच्छा नहीं है, खास नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, क्योंकि हम लोग 500 रुपये दे रहे हैं, मतलब 456 मतलब 500 ही, सो उतना दे रहे हैं, उतने के लिए ये उतना ज़्यादा वर्थ नहीं है। अगर मैंने तो ले लिया, बट अगर आप ले रहे हो तो उतना भी मिलता है तो लो, अदरवाइज डोंट गो फॉर दिस वन। बाकी बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर है, ठीक है। सो लास्ट मेरे पास 2 बैग्स हैं जो कि ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले मेरे पास एक ब्लैक कलर का टोट बैग है, एंड दिस इज द बैग, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल बैग, ओके।
आप देख सकते हो ये वाली, इसकी प्राइस है 405 रुपीज। अकॉर्डिंग टू द प्राइस द क्वालिटी इज टॉप नॉच। सो ये कुछ इस तरह का है, इसकी जो मटेरियल है वो है प्यू एंड यहाँ पर प्लेन नहीं है, इस तरह सा स्ट्रक्चर वाला मटेरियल है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ। एंड ये है उसका हैंडल एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिबन मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल भी सकते हो, अगर वैसे भी पकड़ना है पकड़ सकते हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट ये आपके ऊपर है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें ना सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ जो भी लेना चाहोगे ना वो आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको 3 कंपार्टमेंट्स मिल जाएगी, देख सकते हो। एंड जो बीच वाला कंपार्टमेंट है ना वो इतना ज़्यादा स्पेसियस है गाइस, जस्ट लुक एट इट, ये कितना ज़्यादा स्पेसियस है यार। इसमें लैपटॉप ना, मेरी जो लैपटॉप है बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, इतना स्पेस है। एंड ये है बीच वाला कंपार्टमेंट एंड देन तीनों में ओपन कर देती हूँ, सो आपको पता चल जाएगा कितना सारा सामान आप ले सकते हो। सो ओके, सो मैंने ये खोल दिया, आप लिटरली देखो इतना ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, मतलब ऑफिस के लिए इससे अच्छा बैग इतनी सी प्राइस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस है एंड कोई भी नहीं बोलने वाला इसको आपने मीशो से लिया है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, दिखता भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। तो मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड गाइज, अगर कुछ भी ऐसा बैग ढूंढ रहे हो ना कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए, देन जस्ट गो फॉर दिस वन, बहुत ज़्यादा अच्छी बैग है यार, इतना सस्ता। कभी कभी मीशो ना मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देता है, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट। सो आई एम गोइंग टू शो यू द लास्ट बैग ऑफ दिस हॉल एंड द बैग इज दिस वन। बहुत ज़्यादा प्रिटी बैग है, ठीक है, इसकी प्राइस है 405 रुपीज़ एंड ये भी एक टोट बैग है। क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब ब्लैक वाला जो मैंने दिखाया ना उससे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। इसका थोड़ा सा मतलब जो मटेरियल है ना वो थिक है, ठीक है, ये इस तरह का कलर में आएगा। इसमें ना और भी आपको 3 कलर्स मिल जाएगी, ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा रिच दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा इतना सा पैसे के लिए आपने लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 3 कंपार्टमेंट्स मिल जाएगी इस तरह से। अगर आप खोलोगे तो तीनों ही खोल के मैं दिखा देती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना ज़्यादा स्पेस है। देख लो इतना ज़्यादा स्पेस है, इसमें मैंने अपना लैपटॉप नहीं डाला है, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं, तो इसमें 3 इस तरह का कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके अंदर यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, वो भी मिल जाएगा। इसकी जो अंदर की क्वालिटी है, कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ये जो होता है ना रेनिकोट वाला मटेरियल उस तरह का है, बट चल जाएगी यार, कौन देखता है अंदर, ठीक है। सो बाहर से बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा, बहुत सुंदर लगेगा आई एम श्योर। अगर आप इस कलर में कुछ ढूंढ रहे हो देन प्लीज गो फॉर दिस वन, क्वालिटी वाइज अच्छा है एंड वैसे बहुत ज्यादा अच्छा लग भी रहा है, ठीक है। सो या और एक बात, इसी के साथ ही आपको इस तरह का एक स्लिंग भी मिलेगा, ठीक है, आप अगर चाहो ना तो इधर एंड इधर डाल भी सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, वेट में करके दिखा देती हूँ, आप इसको ना इस तरह से भी पकड़ सकते हो या फिर ऐसे डाल के भी पकड़ सकते हो, ठीक है। सो बहुत अच्छी है यार, अगर ढूंढ रहे हो तो ले लेना, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मैंने आप लोग के साथ पूरे के पूरे 10 बैग शेयर किया है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल रहती है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।